हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी का स्वादिष्ट पकौड़ा, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये बिल्कुल ही इजी तरीका से मैं बनाऊंगी, जो सबको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर भिंडी को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने छोटा बड़ा दोनों साइज का मैंने भिंडी लिया है। तब मैं इसे काट लेती हूँ। तो इसे मैं बीच से चीरा लगाऊंगी। ये देखिए, और इसी तरह से जो बाकी का भिंडी है सब सबको मैं इसी तरह से काट लूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने सारे भिंडी को जो काट लिया है। ये देखिए, तो इसमें मैं डालूंगी आधा कटोरी बेसन और इसमें मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगी। इसके जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो। स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने गोलकी जीरा का पाउडर डाला आधा चम्मच, और 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और ये मैं अजवाइन ली हूँ थोड़ा सा, इससे इसका फ्लेवर है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसे मैं मसल कर डाल दे रही हूँ। तो ये आप ज़रूर इसमें डालें और बिल्कुल मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिला लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा, अगर आप चम्मच से नापते हैं तो 2 से 3 चम्मच। ये देखिए, और जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो अजवाइन ज़रूर पकौड़ा में डालकर खाए, उससे एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम है जो ख़त्म हो जाता है। तो तेल हमारा गरम हो गया है, ये देखिए, तेल करके मैं इसमें डालते जाऊंगी और तलते वक्त मैंने गैस को मीडियम ही रखा है। अगर मीडियम नहीं रखेंगे गैस तो पकौड़ा है जो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ऊपर से हो गया तो मैं दूसरी तरफ पलट लेती हूँ और इसी तरह उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक मैं तल लूँगी। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन का हो गया है। तो एक्स्ट्रा तेल को मैं इस तरह से निकालते हुए इसे प्लेट में रख लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारे पकौड़े को तलकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए, तो सच में फ्रेंड्स, खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और ये अपने मनपसंद सॉस चटनी के साथ इसे आप खा सकते हैं। ये सुबह शाम कभी भी मन करे आपको ये बनाकर आप भिंडी का पकौड़ा खाकर देखिए, फिर मुझे बताएं। ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी है कि आपको दोबारा ज़रूर मन करेगा इसे बनाने के लिए। और जब भी कुछ बनाते हैं नया डिश तो इसे कम मात्रा में ही बनाएं। आप अगर वो ख़राब भी बन जाए तो दोबारा आप ट्राई करें और अच्छे से इसे बनाएं तो अच्छा बनेगा। ज़रूरी नहीं कि एक बार में अच्छा ही बन जाए। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।